श्री आबाबा जी नमः, ओम श्री मातृ नमः। विश्व के परम गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी माता, ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, श्री आदिशंकराचार्य जी और मेरे शरीर हरि गुरु को प्रणाम करके आज के इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। नमस्ते मित्रों, श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में हम आपको अलग अलग ज्ञान से परिचित कराने की कोशिश करते हैं और इसी में आज हम जो ज्ञान ला रहे हैं इसमें रुद्रयामल तंत्र आपने सुना ही होगा। रुद्रयामल तंत्र जो है वो शिव और पार्वती का संवाद है, भैरव भैरवी का संवाद है। इस रुद्रयामल तंत्र जो है वो एक्चुअली बहुत ही बड़ा रुद्रयामल तंत्र है। उस रुद्रयामल तंत्र में सिर्फ एक ही खंड जो है वो प्रकाशित हो चुका है काफी साल पहले, जिसका कुछ हिस्से जो है वो मैंने अपने जो चैनल है अपना इसमें आपको बताया है कुछ सत्संगों द्वारा। रुद्रयामल तंत्र का एक नया भाग आ चुका है जिसके ऊपर पंडुलिपियों में संशोधन करके नई बुक चोखंबा पब्लिकेशन निकाली है। तो ये बुक जो है ये है रुद्रयामल तंत्रम के अंतर्गत धातु खंड का भाग, और ये धातु खंड का जो भाग है उमा महेश्वर संवाद, उमा यानी पार्वती, महेश्वर यानी शिव, ये शिव पार्वती संवाद का जो रुद्रयामल तंत्र है इसमें पार्वती ने भगवान शिव से धातु के विषय में, जो पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार के धातु है, इन धातु के विषय में ज्ञान की चर्चा की है, कुछ प्रश्न पूछे हैं और शिव जी ने इसके ऊपर चर्चा यानी उत्तर दिए हुए हैं। तो ये जो किताब है ये अभी अभी प्रकाशित हो चुकी है और पूरे YouTube चैनल्स में ये पहला हमारे चैनल के ऊपर ये सत्संग का ये बुक का पहला पार्ट जो है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो मेरी आशा है कि आप ये सब नॉलेज ग्रहण कीजिए और ये और लोगों तक भी पहुंचाइए, जिससे कि और लोगों तक ये शिव का मूल ज्ञान है वो समझ में आ सके। क्योंकि लोग जो है शिव 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 शिवा करते रहते हैं, परंतु शिवत्व का मूल जो ज्ञान है वो आगम शास्त्र में है और आगम शास्त्र का ही ज्ञान जो है वो असली शिवत्व मोक्षत्व जो होता है वो आपको प्राप्त करवा दे सकता है। परंतु आगम शास्त्रों के विषय में काफी जगहों पर कम चर्चा की जाती है। आगम शास्त्र मोस्ट ऑफ द लोगों को पता भी नहीं है। जो जो लोग दस महाविद्याओं की साधना करते हैं, जो जो लोग श्री विद्या की साधना करते हैं, बगलामुखी की साधना करते हैं, जिनके जिनके घर में श्री यंत्र रख के श्री विद्या और ललिता की साधना की जाती है, जो लोग अद्वैतता की साधना करते हैं, जो लोग शिवत्व को पूजते हैं मानते हैं, उन्हें अगर शिव तत्व क्या है, अद्वैतता समझनी है, दसों महाविद्याओं का सार समझना है, ब्रह्मांड का सार समझना है, कुंडलिनी का मूल जो कुल है वो कुल क्या है इसको समझना है, तो आपको आगम शास्त्र ही वो ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए आज के जमाने में जिस प्रकार से आगम शास्त्र आगे आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, जिस तरह से हम अलग अलग टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक शास्त्र में जो टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए वो है आगम शास्त्र, जो अपना एक प्रकार से नहीं अपनाई जा रही है, काफी कम जगहों पर इस पर ज्ञान विषयक चर्चा होती है। तो यही है कि आज हम रुद्रयामल तंत्र के संदर्भ में आपके सामने पहला पार्ट रखने जा रहे हैं। रुद्रयामल तंत्र में जो धातु खंड का भाग है, इस धातु खंड के भाग में अलग अलग धातुओं के संदर्भ में धातु बनता कैसे है, कैसे निर्माण होता है, धातु को गाला कैसे जाता है और वनस्पतियों से भी किस प्रकार से धातु बनता है, पारे के साथ किस किस प्रकार से किन रसों से एकत्रित करने के बाद कौन सा धातु बनता है, उपधातुओं के नाम क्या है, दो धातुओं का मिलन होने के बाद तीसरा उपधातु कौन सा बनता है, धातुओं का भस्म निर्माण होके वो भस्म जो है वो मृत संजीवनी विद्या में किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, शारीरिक जो रोग होते हैं उसमें भी उसको किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, ये काफी सारे ज्ञान की चर्चा जो है वो धातु खंड रुद्रयामल तंत्र के अंतर्गत है। तो आप कुंडलिनी का अभ्यास कीजिए या श्री विद्या का अभ्यास कीजिए, उसमें आपको एक चैप्टर होता है धातु विभाग, जिसमें कौन से मुख्य धातु है और इसमें पारे का महत्व क्या है, ये सब कुछ जो है एक बेसिक ज्ञान जो है होना आवश्यक होता है।
अब इसमें पहले पार्ट में लिखा है अथ श्री रुद्रयामले सुवर्ण कल्पे लोह विधानम। शुरुआत करने से एक बात बताता हूं मित्रों कि ये जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पहले प्रकरण में पार्वती कहती है भगवान शिव से, पार्वती उवाच अथ नंतरम देवेश ब्रूही धातुषु संस्कृतिम येन विज्ञान मात्रेन साधयेत् धातु सद्नित्यम्। अर्थात इसके बाद पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा है कि हे देवाधिदेव महादेव, अब आप मुझे धातु की संस्कृति अर्थात धातु का संस्कार करने की क्रिया बताइए, जिसके विशेष ज्ञान भाग से धातु नाम वाले धातु की सिद्धि होती है। यानी धातु में जो धातु का तत्व छुपा हुआ है, धातु नाम की जो सिद्धि छुपी हुई है वो सिद्ध हो जाता है। अर्थात वास्तव में धातु क्या है और धातु क्यों कहा गया है ये आप मुझे बताइए, ये पहले सवाल जो है भगवान शिव को पार्वती पूछती है। आगे महादेव जी कहते हैं धातु स्तूर्य विधा प्रोक्त स्तूर्य स्तूर्ये स्वपक्षतः स्तवम रजस्तमश्चैव चतुर्थ स्तु निरामयः। यानी है पार्वती धातु चार प्रकार के गुणों वाली कही गई है तथा चारों ही गुण चारों में अपने अपने पक्ष में पक्ष से स्थित है। यानी चार प्रकार की धातु कही है, चारों धातुओं में वो चारों गुण अस्तित्व में होते हैं। भाव यह है कि चारों ही गुण चारों में अर्थात एक दूसरे में अपने अपने गुण के साथ स्थित है। वे चार गुण इस प्रकार से है सत्व गुण, रज गुण, तमस गुण और चौथा गुण जो है वो निरामय गुण। यानी चार धातु जो होते हैं ये इन चार गुणों वाले एक प्रकार से होते हैं। आप तो सात्विक राजसिक तामसिक इनका बेसिक तो अर्थ समझ ही चुके होंगे। सात्विक राजसिक क्या होता है, यह एक परमाणु के वैज्ञानिक तथ्य पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि धातु का अर्थ पदार्थ है तथा प्रत्येक पदार्थ सत्व रजस तमस इन तीन गुणों में अपनी पदार्थगत स्थिति को प्राप्त किया हुआ है। यानी नॉर्मली वैज्ञानिक भाषा में किसी भी धातु को एक पदार्थ कहा जाता है और उस पदार्थ में भी सत्व रजतम ये तीन प्रकार के गुण होते हैं ऐसा कहा है। ये तीन गुण अन्य कुछ भी नहीं है, आज के वैज्ञानिक विश्लेषण में इसको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहा है। प्रोटॉन धनात्मक शक्ति है जिसे सत्व तत्व गुण कह सकते हैं, न्यूट्रॉन ऋणात्मक शक्ति है जिसे तमस तत्व कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति कारणी शक्ति है इसे रजस तत्व कह सकते हैं। और इसमें निरामय जो चौथा गुण का है, निरामय गुण जो है वो तीन गुणों से ऊपर उठा हुआ गुण है जिसमें कोई गुण ही नहीं है, वो गुण विरहित है ऐसा वो धातु इसमें कहा है। आगे का श्लोक है राजसे राजसी सिद्धि तामसे तामसी सदा सत्व साधन सात्विक के आनिते सर्व साधनम। रजोगुण वाली धातु में राजसी सिद्धि होती है, तमोगुण वाली धातु में तामसी सिद्धि होती है, सात्विक गुण वाले धातु में सत्व का साधन होता है जो सबका साधन है। आगे पार्वती उवाच, पार्वती कह रही है कथ्यताम देव देवेश सत्यम राज सत्तमस्सम अतीव गुणवत् धातो कार्य लक्षण लक्षिता। पार्वती जी ने कहा कि हे देवाधिदेव, सत्व रजस तमस गुण वाले लक्षणों से लक्षित धातु के अत्यंत गुण वाले कार्यों को बताइए। यानी धातु के गुणों के कार्य क्या है इसके विषय में वो पूछ रही है। आगे कह रही है पार्वती ने कहा कि हे देव, उपधातुओं को भी क्रमश बताइए तथा उनके लक्षण और साधन समझाइए, अर्थात वे उपधातु कैसे सिद्ध की जाती है, जिस प्रकार चांडाल का रूप धारण करने वाली योगिनी आनंद युक्त होती है उसी प्रकार से उपधातुएं सानंद होती है। तथा पार्वती आगे भी कहती है इन उपधातुओं के गुण का लक्षण धातुओं का उपकार कैसे होता है तथा उपधातुओं के अनेक प्रकार के कार्यों द्वारा शुभ क्रिया किस प्रकार से की जाती है तथा
इन क्रियाओं में वियोग तथा दो धातुओं से एक दूसरे से मिलन करके और दोनों धातु अलग करने के बाद भी धातु का मेल जो होता है इसमें किस प्रकार से उपधातु बनते हैं, धातुओं में चंचलता पैदा करना तथा उसका वर्ण रंग बदलना, धातुओं को मारना तथा हे देवादिदेव शंकर यह सब हमें समझाइए कि एक नई धातु बनाने वाली जो धातु क्रिया है जिसे विज्ञान द्वारा सिद्ध किया जा सके जो कि गंधकी क्रिया कही जाती है। महादेव कहते हैं पृथ्वीव्या गर्भ मध्ये तु अनेका धातु तिष्ठति विस्मृता कियत् कालेन धातुर नाना विधोदिता। महादेव ने कहा हे पार्वती पृथ्वी के अंतर्गत अनेकों धातुएं स्थित है जिन्हें कितने समय तक मानवों ने ध्यान नहीं दिया है और फिर कितने समय पूर्व से भूली हुई अनेक प्रकार की धातुएं उत्पन्न हो गई अर्थात कितने समय तक भूली हुई धातुओं को लोगों ने खोज लिया। उन गुण लक्षण युक्त धातुओं को इस समय तक लोग याद कर रहे हैं वे धातुएं कैसे कही गई होगी। हे ब्रह्मांड वासिनी देवी सुनो ये गुण लक्षण युक्त धातुएं जो है इसको लोग याद करते हैं कि वो धातुएं उस समय किस प्रकार से कार्यरत होगी। यानी मित्रों इसको देखकर ये तो समझ में आता है कि आज के जमाने में जो पूर्ण प्रकारेण जो धातुएं आती है अलग अलग प्रकार की वो एक प्रकार से काफी जगह पे डुप्लीकेट ही धातु आती है मिश्रित करके धातु आते पूर्ण रूप से वो धातु आती ही नहीं है। पूर्व के जमाने में जब तलवारें चलती थी तो एक एक तलवार की धार एक एक तलवार का धातु जो था वो बहुत ही मजबूत था तो उस प्रकार से उन जो धातुएं थी उस जमाने में जो उपयोग में लाती थी वो आज जो है वो काफी कम हो चुकी है। तो मुझे लगता है सतयुग त्रेता युग द्वापर युग में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की धातुएं होगी जो आज के जमाने में नहीं है ऐसा भी हो सकता है। आगे पार्वती जी कह रही है ये केचित स्मरते ईश व्यक्तम कथयम सांप्रतम भवतोनुग्रहे नैव साधनार्थश्च सिद्ध्यति। पार्वती ने कहा कि हे महादेव इस समय जो कोई मनुष्य इन धातुओं को स्मरण करते हैं अर्थात जानते हैं वे आपकी ही कृपा से उन धातुओं की साधना अर्थात उनको शुद्ध कर बर्तन जेवर आदि बनाकर धन प्राप्त करते हैं। महादेव ने कहा कि हे देवी सुनो अब मैं गुण लक्षणों से युक्त अनेकों धातुओं की स्थिति को बताऊंगा जैसे कि बुद्धि कहेगी। मुख्य प्रधानता एते रंग लोह कताम्रके रजनैवे रजते नैव संयुक्ता धातु रुत्तमत्ता सदा। जितनी भी धातुएं हैं उनमें चांदी के साथ साथ रांगा बंग लोहा तांबा की मुख्य प्रधानता है। मित्रों मुझे रांगा और बंग क्या होता है मुझे अब पता नहीं है आप चाहे तो गूगल के ऊपर सर्च कीजिए कि ये रांगा यानी बंग धातु होता क्या है। जो इसमें लिखा हुआ है वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूं। भगवान शिव कह रहे हैं कि मेन जो धातु है मुख्य धातु है इसमें चांदी के साथ रांगा धातु लोहा धातु तांबा धातु इनको प्रमुख माना है। इसमें आगे कहा है कि सत्व गुण वाले जो धातुएं हैं इनको मध्यम कहा है। त्रपु यानी रांगा धातु और सीसा धातु इनको यहाँ पे निम्न कोटि कहा है और इनके संयोग से जो धातुएं बनती है यानी रांगा और सीसा और सत्व गुण के जो धातुएं हैं इनके संयोग से उप धातुएं बनती है ये इनको भी निम्न कोटि का कहा गया है। आगे कहा है कि धातुओं को परस्पर मिलाने से जो धातु बनती है वे तीन प्रकार की कही गई है उत्तम मध्यम अधम यानी जो मुख्य धातुएं होती है वो एक दूसरे से मिलाने के बाद जो अलग अलग प्रकार की उप धातुएं बनती है उसमें उत्तम मध्यम और अधम ये तीन प्रकार होते हैं। ताम्र और सत्व यानी ताम्र और चांदी के योग में नारी धातु उत्पन्न होती है। यह कहा है कि तांबा और चांदी के संयोग करने से नारी नामक धातु उत्पन्न होता है। आगे कहा है कि यह मध्यम और उत्तम धातु कही है अर्थात चांदी
और ताम्र के योग से उत्तम धातु बनती है। रांगा धातु और तांबे के धातु के योग से मध्यम धातु बनती है। सीसा और बंग धातु मिलाने से, यानी सीसा धातु और बंग धातु मिलाने पर भी धातु बनती है। इनको मिलाने पर एक नई धातु बनती है। इसी प्रकार से जिस जिस धातु का जिस जिस के साथ संयोग होता है, एक नवीन नया धातु बनता है। यानी कोई भी धातु, दो धातु मिक्स करेंगे तो तीसरा नया उपधातु बनता है, ऐसा कहा है। आगे कहा है, इस प्रकार उस धातु की उस के साथ बुद्धिमान पुरुषों द्वारा जांघवी विद्या करनी चाहिए। सीसा को न तोड़ना शुद्ध उत्पत्ति करने वाला है। यानी जांघवी विद्या मतलब जो धातु होता है उसको किस प्रकार से शुद्ध करना है, मिल्ट यानी गालना किस प्रकार से है। और उसमें भी यहां ये कहा है, सीसे को बिना तोड़ के, यानी सीसा टूटना नहीं चाहिए और ना तोड़ के वो सीसा उसी तरह से धातु में कन्वर्ट होना चाहिए। ये भी उसमें कहा है कि ऐसा सीसा उत्तम प्रकार का होता है और ऐसा शुद्ध सीसा बनने की क्षमता वो विद्या होनी चाहिए, ये कहा है। आगे कहा है, तथा यदि चांदी में सोने का योग कर दिया जाए तो सोने में श्वेतता हो जाती है। शुद्ध तांबे में और लोहे में चांदी के पिघलाने की विद्या बहुत लघु है। अर्थात चांदी में लोहा और तांबा पिघल कर मिल सकता है, यह द्राविणी कला कही है। आगे कहा है, जासत्वे अंग ही नाच काठिन्याधिका परी कला एताश्च धातुना जातेर भवति शुद्धता। यानी यह एक ऐसी दिव्य कला है कि इस कला के प्राप्त होने पर मनुष्य सिद्ध पुरुष हो जाता है। शुल्व, शुल्व का मतलब तांबा धातु, और जासत्व यानी जस्ता धातु के संयोग से नारी धातु उत्पन्न होता है। नारी मतलब मित्रों पीतल धातु उत्पन्न होता है, ऐसा इसमें कहा है। आगे कहा है, यह जो धातुओं के संयोग की कला है वह अनेक प्रकार की है तथा अनेकों नवीन धातुओं को पैदा करने वाली है। धातुओं को मारने पर, जलाने पर उनको चलाने और तोड़ने की कला दिव्य है तथा यह बर्तन में रख कर उसे सुकोमल बनाने की कला है। यह कला निर्गंध और वर्ण रहित है, इसमें गंध वर्ण दोनों समाप्त हो जाते हैं। दो धातुओं के मिलन से एक नया वर्ण पैदा हो जाता है तथा उस योग के कारण और कार्य के अनुसार दो धातुओं के गुण भी संयुक्त हो जाते हैं और उस धातु के कारण और कार्य भी संयुक्त हो जाते हैं। यानी भगवान शिव यह कह रहे हैं कि धातुओं की संयोग एक कला है, उनके प्रकारों को समझना, नया धातु निर्माण करना, धातुओं के ऊपर आघात करना, उसको जलाना, उसको तोड़ना और उसको पिघलाना, और पिघलाने के बाद उसको एक प्रकार से उपधातु में संयोजित करना, यह बहुत बड़ी दिव्य कला मानी जाती है, ऐसा कह रही है। आगे कह रहे हैं, स्वर्ण और चांदी सब संस्कारों द्वारा संस्कृत है होते हैं। यह विद्या ही सिद्धि प्रदान करने वाली विद्या है जो अनेक प्रकार के स्वर्ण आभूषण एवं चांदी के आभूषण बनाने में प्रयुक्त की जाती है। जो धातु धातु से घुली हुई है, चूना द्वारा अच्छी प्रकार से स्वच्छ की है, यह श्रेष्ठ कार्य को सिद्ध करने वाली विद्या है तथा एक बहुत बड़े कार्य करने वाली होती है। यानी ऐसा कहा है कि धातु, दो धातुओं को घुलने की जो क्रिया है वो भी आनी चाहिए उस व्यक्ति को, और घुलने के बाद चूने के द्वारा, जो चूना होता है उस चूने में उस धातु को स्वच्छ कैसे किया जाता है ये भी उसको समझ में आना चाहिए। काफी बहुत बढ़िया डीपली नॉलेज इसमें दिया है। आगे कह रहे हैं भगवान शिव, सर्व धातु सुधामाय ग्रास ग्रहण ग्राह कहा ग्राहयेद ग्रास मात्रेण पाचयेदशनम स्त्रियम। यानी यहाँ पे धातु धौत क्रिया कही है, पहली क्रिया भगवान शिव ने कही है धातु धौत क्रिया। धातु धौत क्रिया क्या है, सभी धातुओं को चूना से शुद्ध करना चाहिए। यह चूना ग्रास ग्रहण कराने वाला है, अर्थात चूना
गंदगी ग्रास करता है तथा असली रूप को ग्रहण करता है। मतलब धातुओं में जो अशुद्धि होती है उसको खींचने वाला या शुद्ध करने वाला वो जो गुण है वो चूना में होता है, ऐसा कहा है। इसलिए मित्रों पुराने जमाने में जो बहुत बड़े बड़े किले बनते थे उस किलों में दो पत्थरों के बीच में चूना की पेस्ट जो है वो डाली जाती है, उसमें भी और कुछ कुछ डाला जाता था और एक ऐसी सीमेंट तैयार किया जाता था उस टाइम कि वो सीमेंट रूपी जो चूना है वो आज भी सैकड़ों सालों से वो दीवारें टिकी हुई है बहुत सारे किलों के ऊपर। ये कहा है कि ये चूना जो है गंदगी जो है वो ग्रास करता है, गंदगी मतलब धातुओं में जो एक गंदगी होती है उसको शुद्ध कर लेता है और धातुओं को उनका जो असली रूप है वो प्राप्त करवा देता है। अतः ग्रास मात्र से ग्रहण कराना चाहिए तथा एक धातु द्वारा दूसरी धातु को खाकर पचाना चाहिए। इस क्रिया से स्त्री धातु पितल बनती है। यानी ये यहाँ पे भगवान शिव ये कह रहे हैं कि जब दो धातुओं का मिलन होता है तब वो दो धातुओं में कोई धातु जो होता है बहुत एक उग्र कह सकते उसका गुण थोड़ा सा उग्र हो सकता है, यानी तमस और सत्व ये दो रूपों वाले धातु जो है वो एकत्रित किया जाए तो तमस में क्या है आक्रमक रूपता है और काठिन्यता अधिक होगा सत्व के बराबर। यानी यहाँ पे ऐसा कहा है कि दो धातुएं जब होती है, अगर आपने एक प्रकार से लोहा और तांबा मिक्स कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा काठिन्यता जो है वो लोहे में है, तो लोहे का काठिन्यता जो है वो सोसने की जो क्षमता है, एक कैच करने की जो क्षमता है वो तांबे में होनी चाहिए और तांबे की क्षमता जो है वो लोहे में होनी चाहिए। यह कहा है मित्रों जब दो धातुएं आपस में एक दूसरे में मिल जाती है और वो दो धातुएं जो होती है वो मिलने के बाद वो जो मिश्रण होता है पक जाता है और पक जाने के बाद दो धातुओं के मिलन में एक दूसरे का गुण जो है वो गुण वैसा का वैसा ही रहकर दूसरा गुण तीसरा जो गुण है वो ठीक से निर्माण होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा जाता है। अगर ये तीसरा गुण उपधातु जो होता है वो अगर ठीक से नहीं निर्माण हुआ तो वो क्रिया सफल नहीं मानी जाती है। तो यानी इसमें भगवान शिव ने बारीकी से हर चीज के ऊपर ध्यान दिया हुआ है। आगे कहते हैं ऐसा न करने पर जैसे मृग रेगिस्तान में पानी खोजता है उसके लिए दौड़ता है परंतु पानी न मिलने पर दुखी होता है, वैसे ही उक्त क्रिया न करने पर सफलता नहीं मिलेगी। आगे कहा है इसलिए उस उपर्युक्त यत्न द्वारा अर्थात चूना से धातु की शुद्धि करनी चाहिए। अतः यथोक्त संस्कार द्वारा संस्कार की गई धातु उत्तम धातु होती है। सर्वतो धातुरुत्तमः का भाव है कि चूना के संस्कार से धातु सब ओर से पूर्ण शुद्ध होकर उत्तम बन जाती है। यानी मित्रों यह चूने को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है और ये हो भी क्यों ना हो कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि किले में उसको यूज करते थे, अब स्त्री यंत्र भी जो बनता है तो स्त्री यंत्र भी जो बनता है इसमें हर धातु जो होता है वो चूने में गलाकर उसको शुद्ध किया जाता है। मैं उसकी एक मूल परंपरा बता रहा हूं। अगर एक मुख्य श्री यंत्र अगर बना दिया जाए तो हर एक धातु जो होता है सोना चांदी निकेल हो तांबा हो तो इसको चूने में डालकर पहले बहुत शुद्ध किया जाता है, इसको प्योर फॉर्म में, जैसे कि सोना होता है ना 99.99 कैरेट ऐसे जो होता है उस प्रकार से हर एक धातुओं को शुद्ध करना होता है और उसके बाद ही उसमें और भी कुछ प्रयोग होते हैं और उसको मिलन करना होता है। अब बहुत सारे आपको मैं एक अंदर की बात इसमें बताता हूं, काफी लोग जो होते हैं श्री यंत्र खरीद लेते हैं और वो उनको ऐसा लगता है कि हमने श्री यंत्र खरीद लिया हमारे घर का सब भला हो जाएगा, हम उसके ऊपर सब कुछ करवा देंगे, परंतु अंदर की बात ये होती है कि श्री यंत्र जो होता है जब किसी साचे से बन जाता है तो उसको पॉलिश करके धो भी के एक प्रकार से पॉलिश करके हमें पैक करके दिया जाता है, परंतु उस श्री यंत्र में वो पॉलिश की हुई या उसको ठोका जाता है अलग अलग धातुओं से,
उसको पिघलाया जाता है, तो उसके गुण दोष होते हैं, उस गुण दोष के संस्कार जो होते हैं उसमें छुपे हुए रहते हैं। और किसी योग्य ब्राह्मण से अग्नि तारण नामक जो एक विधि है, उस विधि से उस यंत्र में जो भी दोष होते हैं उसको निकालना पड़ता है, उसके बाद उस यंत्र की स्थापना की जाती है। काफी सारे लोगों को पता भी नहीं है, अनेकों लोग जो है श्री विद्याएं यहां वहां सीखते हैं, परंतु मेन चाबी की बात जो है वो नहीं बताते। ये बारीकी की जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए मित्रों। आगे भगवान शिव जी कह रहे हैं, जैसी क्रिया द्वारा जिस धातु का उचित संस्कार किया जाना चाहिए वैसा संस्कार यत्न पूर्वक करना चाहिए, जैसा कि संस्कार बताया गया है उन संस्कारों से युक्त कार्य कारगर होता है। चूना से धुली हुई धातु सब लक्षणों से युक्त हो जाती है तथा इसमें कोई संदेह नहीं कि वे धातु कार्य कारण कारी बना बन जाती है। आगे पार्वती कह रही है कि कियत परिमितो धातु संख्या वदतु मे विभो, उत्पत्ति लक्षणम तेषाम स्थानम चैव पृथक पृथक। यानी पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान शिव, हे विभो, मुझे उन धातुओं की उत्पत्ति का लक्षण बताइए, उनके उत्पत्ति के स्थान को अलग अलग बताइए, और कौन धातु कहाँ मिल सकती है, उसका उसका उस स्थान पर होने का लक्षण क्या है, तथा कहाँ कहाँ कौन सी धातु प्राप्त होती है ये भी बताइए। तथा पार्वती आगे कह रही है कि भगवान शंकर, यह धातु कितनी परिमित है, अर्थात इन धातुओं की संख्या कितनी है, कृपया मुझे यह बताइए, उन धातुओं की उत्पत्ति किस किस स्थान पर होती है, उनके उत्पत्ति के लक्षण बताइए, तथा हे देवाधिदेव, उन उन मुझे धातुओं के लक्ष्य लक्षण बताइए, उन्हें शुद्ध करने की विधि बताइए, यही नहीं धातुओं के भेद अभेद योग एवं उनका मारण चारण भी बताइए, तथा उनका पात पिघलाना टूटना जलाना भी समझाइए, फिर उसके बाद धातुओं का सारण जीवन षंढ गोपन लेपन, उनका जाति भेद, उनकी सुगंध, उनका किस किस के साथ मिलन संभव है, तथा जारण, यह सब बताते हुए उनसे उपधातुओं द्वारा होने वाली क्रियाओं को भी आप बताइए। इस प्रकार से पार्वती ने काफी सारे प्रश्न जो है भगवान शिव से पूछे हैं। इसको हम अगले पार्ट में जरूर सुनेंगे, आज के पार्ट में इतना ही मित्रों। तो आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आया होगा, आशा करता हूं कि आप संतुष्ट हुए होंगे। ये नॉलेज जो है आगे भी जारी रहेगा, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये नॉलेज जो है आगे लोगों तक पहुंचाइए, हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। और मित्रों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे श्री विद्यापीठम में जो जो अलग अलग साधनाएं सिखाई जाती है और जो जो बुक्स है इन विषयों में हमारे हमने लिंक दी हुई है, इस लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, श्री विद्यापीठम ब्लॉग में जाइए और वहां पे अलग अलग कोर्सेस से उनको भी आप जरूर देखिए और जरूर अधिक साधना के लिए उनको करिए। धन्यवाद।